कक्षा 10 के सभी छात्र सर्वप्रथम बोलेंगे सरस्वती नमः। आपका कल आप लोगों ने हिंदी विषय में आप लोगों ने चंद्रलोक में प्रथम बार जो सुमित्रा नंदन पंत की रीता नामक रचना से जो शीर्षक आप लोगों ने बोध किया था, उसके कुछ जो शेष अंश रह गया था उसको आप रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे। आपका शुरुआत होता है अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन मानवता ही विश्व सत्य भूराष्ट्र करें आत्मार्पण धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। अंतिम जो काव्य पंक्तियां रह गईं उनका आप हिंदी में और संदर्भ तो आप लोगों को बोल दिया गया था प्रसंग के अंतर्गत। इसमें कवि पंत जी जी ने अणुशक्ति हेतु मानव कल्याण की कामना करते हुए कहते हैं अमेरिका सोवियत, अब अमेरिका और सोवियत संघ नई दिशाओं की रचना वाले वाहन वहन बने, नई रचनाओं के वहन बने जो इस संसार के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न पाई जाने वाली जीवन पद्धतियां के द्वारा प्रचलित हैं। इस संसार में विभिन्न देशों के भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन पद्धतियां प्रचलित हैं। समन्वित हों विस्तृत मन, कवि यही कामना करता है कवि सभी जीवन पद्धतियों का समन्वय हो जाए, सभी जीवन पद्धतियों का समन्वय हो तथा मन का विस्तार हो, अर्थात लोग जात पात के भेद को छोड़कर एकात्मकता का अनुभव करें। फिर एक बार जब अमेरिका भी यही कामना करता है कि अमेरिका और सोवियत संघ जैसी नई दिशाओं के रचना के वहन करने वाले बने, संसार के विभिन्न देश अपनी भिन्न भिन्न जीवन पद्धतियों के लिए प्रचलित हैं, तो इसके लिए कवि कामना करता है कि जीवन सभी जीवन पद्धतियों का समन्वय हो तथा मन का विस्तार हो, अर्थात कहने का भाव यही है कि समस्त लोग जात पात के भेद को मिटाकर एक समान रहकर रहने का अनुभव करें और अणुयुग बने धरा जीवन नित स्वर्ग सृजन का साधन। कब यही कामना करता है संसार में नवीन अणु युग का आरंभ हो, यह पृथ्वी इस पृथ्वी पर जीवन के कल्याण और पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना के साधन बने, संसार में नवीन अणुयुग का आरंभ हो यह इस पृथ्वी पर जीवन के कल्याण और पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना का साधन हो। मानवता ही विश्व सत्य है भूराष्ट्र करें आत्मार्पण, और विश्व के सभी देशों के निवासी धर्म संप्रदायों से ऊपर उठकर यही समझें कि मानव धर्म ही, मानवता ही सच्चा धर्म है, अर्थात मानव धर्म ही सच्चा धर्म है। सभी राष्ट्र इस धरती के सभी देश, धरती पर जितने भी बसने वाले राष्ट्र हैं देश हैं सभी इस कथन के आगे अपना आत्मसमर्पण करें तथा इस सत्य को स्वीकार करें।
धराचंद्र की प्रीति परस पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। कवि कहता आगे कहता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम कोई नया नहीं है, यह पुरातन है, बहुत पुराना है और संसार में प्रसिद्ध भी। संसार में पुरातन माने पुराना, प्रीति माने प्रेम, जगत माने संसार में यह कथन प्रसिद्ध है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गित ज्वार देख चंद्रानन। और यह तो बहुत बात पुरानी है कि इसलिए तो कोई पृथ्वीवासी चंद्र सदस्य मुख को देखता है, तो उसके हृदय में जब कोई पृथ्वी का निवासी चंद्रमा के समान मुख को देखता है तो उसके हृदय रूपी समुद्र में आनंद का स्वर्गीय ज्वार आ जाता है, आनंद का स्वर्गीय ज्वार आ जाता है। अथवा प्राचीन विश्वास के अनुसार यह कथन हो सकता है, चंद्रमा के मुख को देखकर, चंद्रमा के मुख को देखकर समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इसलिए कहने का भाव यही है कि जिस प्रकार से चंद्रमा समुद्र को देख करके पूर्णमासी के दिन चंद्रमा में ज्वार भाटा आता है, उसी प्रकार से जब कोई पृथ्वी भू निवासी इस पृथ्वी का वासी जब चंद्रमा के समान किसी भी व्यक्ति का मुख देखता है तो उसमें भी हृदय का स्वर्गिक ज्वार आता है, अर्थात उसको आनंद की अनुभूति होती। आप लोगों का यह पूरा लेसन यह पूरा हो रहा है। इसी के साथ आप लोग फिर आज जहाँ से पढ़ाया गया उतने का हिंदी अनुवाद करेंगी, अरे हिंदी अनुवाद नहीं, माफ करना, हिंदी व्याख्या करेंगे और आप लोग इसका काव्य सौंदर्य देखिए। कवि के द्वारा जिन नई जीवन पद्धतियों अथवा मानवता मानव के शाश्वत मूल्यों को दर्शाया गया है, कवि ने यहाँ पर मानव के शाश्वत मूल्यों को दर्शाया है और मानवता की भावना ही सबसे सत्य भावना है, अर्थात जात पात के भेद रहित रहने का आवाहन किया है। नंबर दो है गीत काव्य है। नंबर तीन शांत रस है, प्रसाद गुण है और अनुप्रास और रूपक अलंकार है, सिंधु रूपी हृदय रूपी सागर और चंद्रानन चंद्रमा के समान मुख। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये काव्य सौंदर्य था। इस प्रकार से आप लोग इसका हिंदी में काव्य सौंदर्य व्याख्या प्रसंग समेत आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद।